न्यूज़ तक अब नए अंदाज में। तबलीगी जमात आप में से कितने लोगों को याद है? 2020 के शुरुआती दौर में दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग मिले थे। गृह मंत्रालय ने सितंबर 2020 को राज्यसभा में एक बहस के दौरान यहां तक कहा था कि तबलीगी जमात के आयोजन से देश में कई लोगों तक कोरोना वायरस फैला। एक बार फिर से तबलीगी जमात निशाने पर है, किसी संस्था या किसी शख्स की नहीं बल्कि एक देश के निशाने पर है, नाम सऊदी अरब। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने बैन लगा दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के प्रवेश का द्वार बता दिया है और समाज के लिए तबलीगी जमात को खतरा तक बता दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में तबलीगी जमात 100 साल पहले शुरू हुआ और इसे मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाने लगा। उसे सऊदी अरब ने आखिर बैन क्यों कर दिया है, बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर तबलीगी जमात है क्या। इसकी स्थापना देवबंदी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में की थी। इसका काम इस्लाम को मानने वालों को धार्मिक उपदेश देने का था। इस जमात को पूरी तरह से गैर राजनीतिक रखते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब की बताई इस्लामिक शिक्षाओं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए किया गया था। हालांकि बाद में इसके रास्ते से भटकने और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगने लगे। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों में इसके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि सऊदी जैसे मुसलमानों का हितैषी मुल्क ही इस संगठन के खिलाफ खड़ा हो गया। उस पर आतंकी तैयार करने के आरोप तक लगने लगे। सऊदी के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने जुमे यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को तबलीगी जमात के खिलाफ आगाह करने का निर्देश दिया। सऊदी सरकार ने साफ साफ ये कहा कि तबलीगी जमात के जरिए लोगों को भटकने, ब्रेन वॉश होने का खतरा है। देश के इस्लामी मामलों के मंत्री ने सोशल मीडिया पर सुन्नी इस्लामी संगठन तबलीगी जमात को आतंकवाद के गेट में से एक बताते हुए प्रतिबंध का ऐलान तक कर दिया। एक के बाद एक सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के खिलाफ ट्वीट किए, जिसमें मस्जिदों और मौलवियों से तबलीगी जमात के लोगों को न जोड़ने की चेतावनी दी। सऊदी अरब सरकार ने अपने मौलवियों से कहा है कि बताएं कि तबलीगी जमात से लोगों के भटकने और ब्रेन वॉश होने का खतरा है। ये आतंकवाद का एंट्री गेट में से एक है, भले ही वो कुछ और दावा करे। उनकी सबसे प्रमुख गलतियों के बारे में जिक्र करे, लोगों को बताएं कि ये संगठन समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। हालांकि सऊदी अरब के तबलीगी जमात को बैन किए जाने के बाद भारत समेत दुनिया भर में फैले तबलीगी जमातियों ने सऊदी अरब सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। तबलीगी जमात के नेता ने कहा है कि आखिर सऊदी सरकार तबलीगी जमात से इसलिए डर रही है क्योंकि अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान काबिज हो चुका है। तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और तालिबानियों ने पहले से ऐलान किया है कि वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। सऊदी सरकार को डर है कि उनके देश में भी तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब तबलीगी जमात को कहीं बैन किया गया हो। इससे पहले भी 2013 में कजाकिस्तान ने तबलीगी जमात को एक्सट्रीमिस्ट कहते हुए बैन कर दिया था। कजाकिस्तान के अलावा ईरान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भी तबलीगी जमात को बैन किया था। लेकिन खुद को मुसलमानों का हितैषी कहने वाले मुस्लिम देश सऊदी अरब का तबलीगी जमात को बैन करने का फैसला वाकई में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।